मेरा नाम आखिर से रहते हुआ मैं आपको बताऊँगा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में। पहले आपने जाना रदरफोर्ड था, आपको रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट था, उसने एक्सपेरिमेंट किया इन ऑर्डर टू नाउ जिसमें अरेंजमेंट ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एटम, उसने मतलब अरेंजमेंट के लिए एक्सपेरिमेंट किया प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एटम। एक्सपेरिमेंट देख लिया रदरफोर्ड में बैठे लगे थे गोल्ड कॉइन, उसने एक बहुत पतली सोने की एक पेन दिया छोटा मतलब फॉइल दी जितने 0.004 सेंटीमीटर मतलब बहुत ही पतला था बहुत ही विद एन अल्फा पार्टिकल। इसने अल्फा पार्टिकल यूज किए और आगे उसने उसे फेंके वो फॉइल थी उनसे बहुत सारे पार्टिकल जिससे वो स्टेट चले गए बहुत सारे पार्टिकल स्टेट कोई इस शेप में गए कोई इसमें कोई इसमें कोई इसमें बहुत कम पार्टिकल्स वापस पीछे डिफ्लेक्शन वापस पीछे आ गए। उससे इसको पता चल गया कि ये जो पार्टिकल पीछे आए इससे पता चलता है कि जो आगे गए बिल्कुल सेट इनसे पता चलता है कि ये मोस्ट ऑफ स्पेस ऑन एटम मस्ट बी एम्प्टी बहुत सी जगह इसमें खाली है। इसके बाद जो वापस पीछे आए वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ एटम, इनसे बहुत सारे पार्टिकल्स आए क्योंकि इनमें जो पॉजिटिवली चार्ज पॉजिटिव चार्ज टकराता है तो वापस पीछे आता है। तो इससे शब्द हो गया कि मोस्ट ऑफ द मैसिव पार्टिकल्स आर नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए ये कहना था कि वो लाइन स्पेक्ट्रम लाना था ये नहीं कर सका और उसके स्टूडेंट ने किया था स्टेबिलिटी ऑफ एटम ये नहीं बता सकता था और उसके बाद में उसके उसने किया था स्टूडेंट ने न्यू कोहर ने उसने वो कामयाब हो गए एक्सपेरिमेंट में। और माई नेम इज आकिर जो क्लास 9 स्ट्री का स्टूडेंट हूँ ICB में और थैंक यू सो मच।